side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम अभी नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर देना और लाइक का बटन जरूर देना। फिलहाल हम चिड़ावा के रेलवे स्टेशन पे हैं, बस ऐसे ही घूमने आ गए हैं। और अभी हम चल रहे हैं मार्केट, तो आपको थोड़ा सा सीन तो दिखाई देता हूँ रेलवे स्टेशन का। और आज हम यहाँ की प्रसिद्ध एक भैया हैं जो समोसे बनाते हैं, तो प्लान कर रहे हैं वहाँ समोसे खाने का। अगर उनकी शॉप पे नहीं जा पाए तो आज कुछ और खिलाएंगे आप लोगों को। मार्केट जरूर विजिट करवाता हूँ, अभी काफ़ी शानदार मार्केट है चिड़ावा, तो चलें क्या? बहुत सा प्यारा स्टेशन है, छोटा सा प्यारा स्टेशन। आ गया मैंने स्टेशन, अभी कुछ खाने के लिए लेके चलो फटाफट। चलो तो ये है चिड़ावा की मशहूर समोसे की दुकान, जो कि ये कौन सा रोड जा रहा है? चिड़ावा बाईपास रोड। चिड़ावा बाईपास रोड खेतड़ी जाता ना, खेतड़ी रोड के ऊपर है ये रेलवे स्टेशन की जो पटरियाँ वहाँ पर है फिलहाल। तो काफ़ी बढ़िया समोसे मिलते हैं, आप भी आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको इतना बढ़िया समोसा मिलता है। तो चलते हैं आप। भैया के चेहरे का इम्प्रेशन बता रहा है, समोसा टेस्टी है। समोसा फिनिश कर लिया है और टेस्टी, अगर कोई रेटिंग का बोले तो 10/10 मेरी ओर से, सीरियसली। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को मुझसे मिलकर? अच्छे लोगों से मिलकर अच्छा ही लगेगा। मेरी आंखें खुल रही है ना फिलहाल, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कोई आपकी आंखों को कैमरे में कैद नहीं करेगा। जब तो फिलहाल चिड़ावा की मेन मार्केट में एंट्री कर चुके हैं दो भाई, और आप पूरा पीछे देख रहे हैं मार्केट, काफ़ी शानदार मार्केट है भाई, और सब्जी काफ़ी सस्ती मिलती है, ये भी दिखा दें आपको। ये है यहाँ का मेन मार्केट, आसपास के एरिया की बड़ी फ्रेश और सस्ती मिलती है सब्जियां, फ्रेश क्या एकदम से फ्रेश भाई साहब, ताज़ा तोड़ के सब्जियां मिलती हैं यहाँ पे। और आपको बता दें फिलहाल सबसे आसपास की एरिया का सबसे लुक वाइज और बढ़िया मार्केट मिलेगा, घूम के ही मजा आ जाता भाई मेरे को तो। तो भी दोस्तों ये सबसे प्रसिद्ध दुकान है चिड़ावा की, जहाँ पे राजपूती पोशाक मिलती है, राजपूती परिधान काफी बढ़िया ड्रेसेस यहाँ पे मिलते हैं। अभी एक दिन फॉर्च्यूनर भी आएंगे।
एकदम से टच होके मत चलो, ये सीन मस्त आया है। पिछली बार हम यहाँ पे आए थे ना तो काफी गैदरिंग थी, लेकिन अभी क्या शादी ब्याह का माहौल अभी थोड़ा ज्यादा है नहीं। शादी ब्याह की सीजन जैसे तेज चलती है तो काफी ज्यादा गैदरिंग हो जाती है और मार्केट में बहुत ज्यादा रश रहता है, सब मार्केट में घूमने का काफी बढ़िया मजा आता है। मार्केट काफी शानदार है, आप लोगों को अभी दिखाया है। तो फिलहाल हम यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आए हैं और पैसे भी नहीं लेके आए हैं, तो सिर्फ मार्केट घूम सकते हैं और आप लोगों को दिखा सकते हैं। मैं जब भी बोलता हूँ ना भैया को शॉपिंग कराओ, ऐसे ही बोलते हैं पैसे ही नहीं लेके आया। तो भाई पैसे लेके आएंगे उसी वक्त सिर्फ शॉपिंग हो सकती है। अरे भाई आप सिर्फ मार्केट का लुक लो और देखो मार्केट अच्छे से, आप लोग आ सकते हो कभी परचेजिंग करने, आपको पूरा मार्केट दिखा दिया कितना शानदार है। इतनी दूर मार्केट में आए हैं तो फिलहाल नींबू जरूर लेके चलते हैं, नींबू के जितने पैसे हैं हमारे पास तो भैया परचेज करेंगे अभी। यार नींबू का कलर ही बड़ा सुंदर है, क्या भाव दिया? 30 के आधा किलो। 30 के आधा किलो, थोड़े पीले पीले डालना। 30 के आधा किलो। फिलहाल मेरे हिसाब से नींबू यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं बाकी जगह से, और कलर देखने तो बढ़िया लग रहा है। तो फिलहाल सबसे महंगी चीज हमने खरीदी है जो सबसे सस्ती होगी, नींबू। वैसे चूड़ियाँ राजस्थान में हर जगह अच्छी मिलती है, लाख की चूड़ियाँ काफी पॉपुलर है हमारे यहाँ। आम क्या भाव दिया? 100 के 1.5 किलो लेना है। अब हमें चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया हमें यहाँ पे, धूप बहुत तेज हो चुकी है, फिलहाल घर चलते हैं। ये सब आप कमेंट करके बता सकते हो फिलहाल कि आपको चिड़ावा का मार्केट कैसा लगा है। हमने नींबू खरीद लिए हैं, बाकी हमारे पास फिलहाल पैसे हैं नहीं और अब घर चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब चलते हैं घर और मिलती हैं अगले ब्लॉग में आपके साथ जल्द ही। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट सब कर देना भाइयों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।